हमें अपने गार्डन में बारिश के समय लकड़ियों के ऊपर कुकुरमुत्ते उगे हुए अक्सर दिखते हैं। बट आपको ये पता है कि आखिर इसे कुकुरमुत्ते को कुकुरमुत्ता क्यों कहा जाता है? इन्हें कुत्ते के नाम से क्यों जोड़ा जाता है? चलिए आज जानते हैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। होता क्या है कि हजारों सालों से इंसान कुत्तों के साथ में रहते हैं और उनके साथ जीवन जीते हैं, और कुत्ते की एक अजीब सी आदत होती है कि जगह जगह वो पेशाब करके अपनी निशानदेही छोड़ता है। इस निशानदेही करने की आदत से उसे ये माना जाता है कि ये इलाका उसका अपना हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पे टॉयलेट करता है। और ऐसा ही होता है कुकुरमुत्तों के साथ। पेड़ों के तनों के नीचे जहाँ कुछ सड़ रहा हो, वह यहाँ पे निशान अपना बनाते हैं, वहाँ पे उगकर बारिशों के मौसम में अक्सर वहाँ पे सफेद सफेद सा उग जाता है। तो होता क्या है कि इस तरह से इसे कुत्ते के पेशाब से जोड़कर यहाँ यह नाम इसे स्थापित कर दिया गया, इसीलिए इसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। और सोचिए कितनी अजीब बात है कि कुकुरमुत्ता का यूजुअली इसे कोई लेना देना नहीं होता, मगर फिर भी इसे कुकुरमुत्ता यानी कि कुत्ते के नाम से जोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से अगर आपके घर में भी उगता हो कुकुरमुत्ता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।